गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए अपने लिए, ठीक है। एंड शेड, अगर आपको शेड नहीं पता है अपने स्किन का टोन के लिए, आपको शेड नहीं पता है कि कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा शेड लें, क्योंकि मार्केट में तो एक ब्रांड का इतना सारा शेड आता है, 100 शेड, 200 शेड्स, तो कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाउंडेशन जो आपने सुना ही होगा इसके बारे में, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है इस चीज़ पे, एंड इसका एड भी बहुत ज़्यादा चलता है, बट हम सोचते हैं कि इसे ले या ना ले, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली आता है, ठीक है। ये 18 ml का है, वो शायद 30 होगा या 60 होगा, आई डोंट नो, वो बड़ा हिस्से, ठीक है। तो ये आता है 300 में, वो आता है, वो जो ट्यूब वाला होता है, मतलब वो जो पंप वाला होता है, वो आता है 600 में, ठीक है। तो मैं सोची चलो छोटा वाला लेके देखती हूँ कैसा है नहीं है, तो इसे मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बट आपके सामने फिर से दिखाती हूँ। अभी मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, तो आपके सामने मैं लगा के दिखाऊंगी। तो ऐसा बोला जाता है ये मैट फिनिश है और ये लिक्विड में है, ठीक है। तो लेट्स सी ये लिक्विड है या नहीं है। सो लेट्स मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं इसका कवरेज कितना अच्छा आया है ना। तो मैं इसे अब फेस पे लगा के आपको दिखाती हूँ, एंड इसे बोला जाता है कि ये वाटरप्रूफ भी है, तो मैं सारा टेस्ट करके आपको आपके सामने दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कि ये क्या है नहीं है, ठीक है। तो फाउंडेशन लगाने का सही तरीका है बस ऐसे डॉट 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 कर लो, ठीक है, एंड एक सॉफ्ट सा ब्यूटी ब्लेंडर लो, सॉफ्ट होना चाहिए। देखो जो हार्ड होगा वो सारा क्रीम इसी में रह जाएगा, ठीक है, वो अच्छा से आपका स्किन में नहीं लगेगा। सो इफ यू वांट गुड कवरेज देन टेक अ सॉफ्ट ब्लेंडर, ओके। एंड इसे कैसे यूज करना है, इसको ऐसे रब नहीं करना, रब करने पे क्या होगा, सारा क्रीम इसमें आ जाएगा। देखो आप देख सकते हैं सारा क्रीम इसमें आ जाता है, तो इसको बस ऐसे रब करना है, मतलब टैप टैप करना है, रब नहीं, इसमें टैप टैप करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफी फेयर हो गया, मतलब एक कलर में हो गया है, अनइवन स्किन टोन होता है जो, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं पहले और अब में, है ना। ये काफी आपको मैट फिनिश देता है, ठीक है, एंड ये वाटरप्रूफ है या नहीं है लेट्स चेक आउट, ओके। ओ वाओ, इट इज वाटरप्रूफ। मैं ये चेक नहीं की थी कभी, बट यू कैन सी ये रिमूव नहीं हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। सो इफ़ यू वॉन्ट अ वाटर प्रूफ मैट फिनिश फाउंडेशन, सो दिस फाउंडेशन यू कैन टेक, ओके। एंड ये ज़्यादा प्राइस है नहीं, ओनली 300, अगर आपको कहीं डिस्काउंट में मिल रहा है तो आपके अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको पता नहीं है, जैसे आप बिगनर हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सा शेड ले कौन सा ना ले, समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ करता था, बट अब नहीं होता है, तो अब पता है हमें कि कौन सा शेड लेना है, तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन अगर इसे नहीं पता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप स्टोर से लीजिए, डायरेक्ट जाके जहाँ पे लेडीज़ लोग होती है सेल करने वाली, तो आप डायरेक्ट वहाँ से लीजिए, आपको वहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाएगा कि कौन सा आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है, और वो लगा के भी आपको दिखाती है, आपको टेस्ट करके दिखाती है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सा शेड आपके लिए सही है आपकी स्किन के लिए, तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है और उसको बस स्किन पे ऐसे लगा के देखना, अगर वो मैच कर जा रहा है और आराम से मतलब कवर करता है आपकी स्किन को, नेचुरल फिनिश दे रहा है, तो समझ जाओ कि ये आपका स्किन टोन मैच कर रहा है। बट अगर ये ऊपर ऊपर जैसा जा रहा है, अजीब लग रहा है, नेचुरल नहीं लग रहा है, तो समझ जाओ वो आपकी स्किन के लिए नहीं है,
बात समझ में आ गई होगी एंड अब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है आपको तो, ठीक है। एंड आज काफ़ी फाउंडेशन बर्बाद हो गया है कोई बात नहीं। सो और मैं अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये मेबलिन फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगता है, आपकी स्किन पे सूट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अपना राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ओके। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए।